हेलो फ्रेंड्स, अभी हम लोग चेक कर रहे हैं एचपी का जो लैपटॉप है उसका हार्ड डिस्क इशू आ रहा है, तो हम लोग टेस्ट करने के लिए बायोस में जाते हैं। बायोस में पहले हम लोग वो डेट और टाइम करेक्ट है क्या नहीं चेक करते हैं। फर्स्ट हम लोग वो डेट और टाइम चेक कर लेंगे, उसके बाद जो इसमें बिल्ट इन एक टेस्ट आता है टूल उसका चेक कर सकते, कौन सा हार्ड डिस्क है करके हम लोग चेक कर सकते। 500 GB का हार्ड डिस्क दिख रहा है आपको, ओके। ये 500 GB हार्ड डिस्क का हम लोग टेस्टिंग कर सकते हैं। यहाँ पर एक टूल आता है उसका, एचपी के तरफ से ही टूल है ऑलरेडी बिल्ट इन बायोस में, उससे हम लोग टेस्ट कर सकते हैं कि ये हार्ड डिस्क वर्किंग है क्या नहीं है, क्योंकि हम लोग जो इंस्टॉल करने जा रहे हैं उसको इंस्टॉल नहीं हो रहा है। ओके, पहला ये टेस्ट स्टार्ट करते हैं। ये टेस्ट स्टार्ट हो गया, ये देखिए टेस्ट स्टार्ट हो गया। इसमें क्या है, हार्ड डिस्क का हेल्थ चेक करते हैं, 1% 2% अप टू 100% तक, ज़्यादा से ज़्यादा आपका टाइम बहुत ही कम में लेता है टेस्टिंग होता है। टेस्टिंग होने के बाद यहाँ पर देखिए टेस्ट इज रिजल्ट इज फेल करके आ रहा है, ड्राइवर रिप्लेसमेंट रिक्वायर कमडेट करके आ रहा है, क्योंकि इसमें हार्ड डिस्क इशू है। और एक टेस्ट कर सकते हैं हम लोग, ओके, उसके लिए हम लोग ये सिस्टम चेक करेंगे पहला। और एक टेस्ट आता है, आप लोग सिस्टम रिस्टार्ट करने के बाद वहाँ और एक बार टेस्ट करके देखेंगे, अगर कभी कभी फर्स्ट टाइम कुछ प्रॉब्लम हुआ तो ऐसा हुआ रहता है। ये देखिए सेकेंड टाइम हम लोग टेस्ट रखा है, सेम वही प्रोसीजर है टेस्ट का, ओके। ये परसेंटेज हो गया, उसके बाद ऑटोमेटिकली ये स्किप हो जाता है, स्किप होके फेल करके आ जाता है, मीन्स जो हार्ड डिस्क है उसका रोटेशन नहीं हो रहा है। ये देखिए पूरा क्लियरली दिखा रहा हूँ, और ओके हम लोग वही टेस्ट करेंगे। और एक बार आप यहाँ पर बूट ऑप्शन में एक टेस्ट आता है, वहाँ पर भी ट्राई कर सकते हैं। अभी रिस्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, ओके। रिस्टार्ट करने के बाद आपको F10 प्रेस करना है। F10 पे कैसा आता है, बूटिंग ऑप्शन भी आता है, और F9 में भी बूटिंग, F10 में बूटिंग ऑप्शन, F9 में भी आता है, दोनों प्रेस करके रखिए। उसके बाद एक ऑप्शन आ जाता है, उसमें टेस्टिंग करके लेता है, इवन रैम टेस्टिंग भी कर सकते हैं, हार्ड डिस्क टेस्टिंग भी कर सकते हैं, और सिस्टम इंफॉर्मेशन भी आ जाता है उसमें, ओके। हम लोग पहले टेस्टिंग करेंगे, इसमें जो भी ऑप्शन आ रहे हैं, बहुत ही स्लो है यार सिस्टम में, ओके, क्योंकि ये हम लोग इंस्टॉल करने ट्राई कर रहे हैं, नहीं हो रहा है, बीच में रुक रहा है, और 20% हो रहा है, 30% हो रहा है, उसके बाद आगे ही नहीं जा रहा है, उसकी वजह से हम लोगों को डाउट आ गया ये हार्ड डिस्क इशू है करके। तो हार्ड डिस्क टेस्टिंग के लिए हम लोग F9 प्रेस करना है, ओके। रिस्टार्ट करके F9 प्रेस करना है। F9 के बाद जो ऑप्शंस आता है, मेमोरी टेस्टिंग करके आता है, पहले मेमोरी टेस्ट होता है। ये देखिए एक्चुअली ये हार्ड डिस्क एरर आ रहा है, जो भी सिस्टम स्टार्ट होने के बाद ऐसा एरर आ रहा है, ओके। ये एरर आए तो हार्ड डिस्क फेल हुआ रहता है, इसमें कितने बार भी आप इंस्टॉलेशन ट्राई करेंगे तो नहीं होगा वो, ओके। अभी देखिए मेमोरी टेस्ट करके, हार्ड डिस्क टेस्ट है, दोनों है, पहले मेमोरी टेस्ट करेंगे हम लोग। मेमोरी टेस्ट तो 100% हो जाता है, उसकी कोई दिक्कत नहीं। टाइम भी दिखाता है 3 मिनट्स 34 मिनट्स करके, मैंने स्किप किया हुआ ये वीडियो, ओके। उसके बाद जब ओके हो गया, ओके, हम लोग स्किप करता हूँ, 70% हो गया, ओके। 59 सेकेंड से ये मेमोरी टेस्टिंग चल रहा है। मेमोरी के बाद कंपलसरी आपको हार्ड डिस्क टेस्टिंग, यहाँ पर एचपी में दो टेस्टिंग आता है, एक तो आप जो बायास में जाके वहाँ पर भी टेस्ट कर सकते हैं, एक तो बूट ऑप्शंस में जो आता है वो F9 दबा के उसमें भी टेस्ट कर सकते हैं। दोनों में अगर फेल आ रहे तो आप लोगों को कंपलसरी हार्ड डिस्क रिप्लेस करना पड़ेगा, ओके। मेमोरी टेस्टिंग पास करके आ गए ना, ऐसे सेम हार्ड डिस्क का भी आना चाहिए। अगर हार्ड डिस्क का कैसा आता है, इसमें पास करके भी नहीं आता है, फेल करके भी नहीं आता है, मगर स्किप हो जाता है। हम लोग जब हार्ड डिस्क टेस्टिंग करते हैं, यहाँ पर देखिए 1%, 2%, 3% हो जाता है, और इमिडिएटली स्किप होके रिटर्न आ जाता है, मीन्स ये हार्ड डिस्क टेस्ट नहीं हो रहा है, फेल हो रहा है, ओके। Need to replace the hard disk. Okay, thank you. Okay, please subscribe my channel and support, like and share to other to help. Okay, thank you.